मजा ही आ जाता आपको देख के। क्या बोला तू? कह रहे सर तो इतना प्यार करते, जल्दी आज आप गणेश आचार्य के कपड़े पहन के क्यों आए? सब जानना है इस बड़वे को। हाय कपिल, बस इतना ही काफी है। क्यों? फिर कुछ बोलेगा कपड़ों को लेके? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं नहीं, आप बड़ी प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। आप चल झूठा। मैंने ना मलाइका जी को, गीता मैम को देखा शो में ये बोलते हुए कि इनको कंटेस्टेंट्स पे कभी कभी बहुत प्यार आता। अच्छा। और ये बोलती हैं कि प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग आपको हग नहीं कर सकते। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने दोनों वैक्सीन ले ली है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वैसे गीता, इशारा कपिल का थोड़ा उधर था। गजब बेइज्जती है। मैं इसीलिए बीच में चली। प्यारी समझ गई। लेकिन मैम आप अकेली आई, वो कहाँ है आपका वो जो छोटा सा जिसको लेके आप हमेशा सैर करने जाती? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं। उसका नाम भी है, उसका नाम है कैस्पर। सही पकड़े हैं। कसम से ये वॉक करवाने लेके जाती है, इतना कैमरा वाले आ जाते ना, वो बेचारा जो काम करने आता वो करके नहीं जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जब यू नो अपने कैस्पर को लेकर जाती है, कुछ लेन में बाजू में मैं भी अपना कुत्ता लेके नीचे आता हूँ। क्या सोच है रे तेरी? ना एक फोटोग्राफर रहता है, एक कुत्ता भी नहीं रहता इनको। पर ये जब कुत्ता लेके जाती है ऐसे वो चलने से बहुत बढ़िया। जब वॉक पे जाती है तो चप्पल पहन के जाती है तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। जैसे आप छोटा पप्पी घुमाती है ना, अर्चना बड़ा वाला बकरा घुमाने लेके जाती है। चुप, बिल्कुल चुप। घुमा फिर आके उसका आधा किलो वजन कम करके रात को मटन। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।